Assalamu alaikum, students, as DMS Boys English Medium Primary School. Here, your English teacher, Sayed Gulafsa, and we are going to learn our exercise number, chapter number six, Varun's birthday gift. I hope you all are good and healthy at your home. लेट्सटार्ट uh, स्टूडेंट्स हमने हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो फिनिश कर लिया है आज हम क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिक्स की ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है बहुत ही ज़्यादा इजी है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ही ऐसे किया था कि आपको लॉन ही हो गया होगा सो लेट्सटार्ट आवर ट्रिक राइट द करेक्ट आंसर फील इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स हमें प्लैंक्स को फिल करनी है विद द करेक्ट वर्ड्स फर्स्ट वन इज़ एवरी वन इन वरुणस हाउस इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर आप लोगों को यहाँ क्या करना है सिर्फ राइट टिक कर देना है आप लोग ब्लैंक में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी वन इन वरुणस हाउस इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फ़ॉर एवरी वन जो है सबके सब बिज़ी सब थे वरुण के हाउस में क्यों बिजी थे हम लोग सबको पता है आज क्या है वरुण का बर्थडे है इसलिए वो लोग सब जो घर के सारे लोग जो है जैसे कि उसकी मम्मी सिस्टर और उसके फादर जो है वो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं पर किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस दिन क्या था चलो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं दिवाली नो रॉन्ग क्रिसमस नो रॉन्ग Varun's birthday party. Yes, this is our correct answer. Varun's birthday party. Kya thousand Varun's birthday party. So, this is our correct answer. C. So, you have to write tick on this answer. Second one is Mummy is busy in the kitchen. Mummy is busy in the kitchen. baking. फिर ब्लैंक है अब हमें आंसर ढूँढना है चॉकलेट केक और स्ट्रॉबेरी केक कुकीज़ सो विच वन इज़ अवर आंसर यस बी और स्ट्रॉबेरी केक मम्मी कौन सा केक बेक कर रहे थे कौन सा वाला केक था चॉकलेट केक था नो no, ऐसा तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ है हमारे चैप्टर में कौन सा था स्ट्रॉबेरी केक सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर बी वर फील्स अ लिटल सैड बिकॉज वरुण फील अ लिटल सैड बिकॉज वरुण क्यों इतना ज़्यादा सैड था क्या आप लोगों को पता है यस yes, हम लोगों को पता है सो लेट्स डू एज पेरेंट्स हैव नॉट बॉट हिम अ बर्थडे गिफ्ट उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं खरीदा है अभी तक नो वन इज़ कमिंग फॉर इज बर्थडे पार्टी उसकी बर्थडे पार्टी भी कोई नहीं आ रहा है इसलिए वो सैड है हीज़ पेरेंट्स हैव नॉट बॉट हेमन यू क्लॉथ फॉर इज बर्थडे उसके पेरेंट्स ने उसे न्यू कपड़े जो है नहीं दिलाए इसलिए वो सैड है नो no, हम लोग सबको पता है कि वरुण अच्छे से रेडी हुआ भी था और उसके बर्थडे पार्टी पर उसके अंकल आंट कजिन और उसके फ्रेंड्स रिलेटिव सब आ रहे थे तो ये दो ऑप्शन जो हमारे पास है वो तो रॉन्ग है वो क्यों सेट था क्योंकि उससे अभी तक उसका बर्थडे प्रेजेंट नहीं मिला था सो दिस इज़ आवर आंसर हीज पेरेंट्स हैव नॉट बॉट हीम अ बर्थडे गिफ्ट सो ये है हमारा आंसर कि उसके पेरेंट्स ने अभी तक उसके लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं खरीदा था इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड था फोर्थ वन आउट साइड हीज डोर वरुण आउट साइड हिज डोर यानी उसके डोर के आउट साइड बाहर के साइड उसे क्या मिला क्या फाइन किया उसने अ बास्केट विथ अवट पॉपी बास्केट फुल ऑफ गिफ्ट एंड बास्केट विद दूट किटन बास्केट के अंदर किटन थी बास्केट के अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स थे एंड बास्केट विद अ क्यूट पपी बास्केट में क्यूट पपी था क्या था हम लोग सबको पता है क्या था यस yes, देखो यहाँ पे दिखा भी है क्यूट पपी बास्केट में ठीक है तो ये है हमारा आंसर बास्केट विद अ क्यूट पपी ठीक है तो यहाँ पे हमारे जो तीन करेक्ट आंसर जो हमें लिखने थे वो फिनिश होते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू इट इन योर ओन वर्क बुक अल्लाह हफिज़